लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 स्टार्ट विद सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 12 पॉलिनेशन ओके आज हमको पढ़ना है स्टूडेंट्स पॉलिनेशन ठीक है पॉलिनेशन POLLINATION पॉलिनेशन इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड about the asexual reproduction in the plants that is by many methods बहुत सारे methods से ये asexual reproduction होता है जो कि हमारे previous lecture से आप देख सकते हैं और today we start sexual reproduction में आपको बताया गया था कि flower is the reproductive part of the plant ठीक है तो flower का description फ्लावर को डिस्क्राइब उसको हो गया है इन द प्रीवियस लेक्चर नाउ टुडे वी स्टार्ट पॉलिनेशन ठीक है आज हमको पॉलिनेशन है पॉलिनेशन इज ऑकर इन द फ्लावर पॉलिनेशन जो है वो केवल फ्लावर्स में होते हैं ठीक है तो पॉलिनेशन इज ऑकर ओनली इन फ्लावर्स ओनली फ्लावर्स ठीक है पॉलिनेशन क्या होता है केवल फ्लावर्स में होता है ठीक है अब हम देखेंगे पॉलिनेशन की डेफिनेशन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन देखिए यहाँ पे वी सी द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन लेट्स सी डेफिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ठीक है ना ट्रांसफर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन पॉलन का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ठीक है ना फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन पॉलिनेशन डेफिनेशन क्या है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ठीक है ना द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा एंथर से स्टिग्मा पे जब ये पॉलन जाते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन ठीक ना विच इज नोन एज पॉलिनेशन देखिए फर्स्ट वी सी दीज टू फ्लावर ये टू फ्लावर दो फ्लावर का फिगर है जिसमें कि दिस इज एंथर एंड दिस इज पिस्टिल ठीक है ना ये एंथर दैट इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड दिस इज पिस्टिल दैट इज फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर तो पिस्टिल का जो सबसे ऊपर का भाग पार्ट होता है वो क्या होता है स्टिग्मा पिस्टिल का सबसे ऊपर का पार्ट क्या होता है स्टिग्मा ठीक है एंड दिस इज व्हाट एंथर दिस इज एंथर ओके दिस इज आल्सो स्टिग्मा एंड एंथर ठीक है ना इसमें भी स्टिग्मा है या एंथर This is stigma and this is anther. So now you see, according to definition, transfer of pollen from the anther to stigma. अब ये anther में क्या होते हैं? Pollen grains होते हैं, yellow color, ठीक है? Anther में छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं ठीक है पॉलन ग्रेन्स पॉलन इसको शॉर्ट में पॉलन येलो कलर येलो एंड पाउडर येलो पाउडर फॉर्म में होता है तो बाय द एयर ये एयर से हवा से मतलब उड़ करके और ये चले आते हैं यहां पे स्टिग्मा ओके ये पॉलन जो है
चले आते हैं कहां पे, स्टिग्मा पे। तो ये पॉलिन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। इसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो ये पॉलिन ग्रेन्स, जो ये पॉलिन है, ये पॉलिन चले आते हैं, पॉलिन्स, ठीक है। तो पॉलिन्स आर कम टू द स्टिग्मा विथ इन द एयर, एयर के सहायता से, ठीक है ना, हवा के सहायता से ये उड़ करके चले जाते हैं स्टिग्मा पे। तो ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस है पॉलिनेशन। और देखिए अब सेम फ्लावर पे, अगर सेम फ्लावर का एंथर का पॉलन, सेम फ्लावर का पॉलन जो है सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, ठीक है ना, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दिस इज व्हाट, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। दिस प्रोसेस इज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन वो होता है जिसमें कि दूसरे फ्लावर का पॉलन जाता है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे। जैसे कि अगर इस फ्लावर का पॉलन हम कहते हैं, इस फ्लावर का पॉलन अगर इस स्टिग्मा पे आ गया, ठीक है ना, इस फ्लावर का पॉलन जो ये है अगर ये इस स्टिग्मा पे आ गया दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो सेम फ्लावर का एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड पॉलिन्स व्हिच आर कम फ्रॉम द अदर फ्लावर, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्यों इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये जब ये पॉलिन्स यहां पे आ जाते हैं, ये पॉलिन्स फिर इसके इस टाइप होते हुए, ये आपको बताया गया था कि यहाँ पे ओवरी होता है, इस ओवरी में ओव्यूल से ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जनरली पॉलन ग्रेन्स हैव टफ प्रोटेक्टिव कोट व्हिच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइव, सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट दे आर कैन बी कैरीड बाय विंड। इफ द पॉलन सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर एंड when the pollen of flower land on the stigma of the another flower, ये cross pollination ये आपको बताया गया। Next है fertilization, fertilization देख लेते हैं। Fertilization that as you know, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि fertilization is the joining of male and female gamete, fusion of male and female gamete, this is the process of fertilization. The cell which result after fusion, the gamete is called zygote. Okay? So, इसमें हम बताते हैं आपको fusion, fusion of male and female गैमेट, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट बताया गया था आपको, मेल गैमेट क्या है, पॉलन, फीमेल गैमेट ओव्यूल, तीसरा बता दूं मेल गैमेट दैट इज पॉलन, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट दैट इज ओव्यूल, ठीक है। और जब ये ज्वाइन कर जाते हैं दोनों,
पॉलिन जब ओव्यूल से मिल जाएगा तो ये क्या बना लेंगे, जाइगोट, ठीक है ना। तो द गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। दिख रहा है आपको, तो पॉलिन जब ओव्यूल से मिल जाता है इन द फीमेल पार्ट दैट इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पिस्टिल में, तो पिस्टिल में सबसे नीचे जो पूरा पार्ट पिस्टिल है, ठीक है ना, पिस्टिल में यहाँ पे होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, तो ये पॉलिन चला जाता है इस पे ओव्यूल्स के साथ, और पॉलिन जो है ओव्यूल के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है, जो आफ्टर जाइगोट जाइगोट फॉर्म कर लेता है किसमें, फ्रूट्स में, जाइगोट से फिर फ्रूट्स बन जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये चीज है जाइगोट जो है डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड फाइनली फ्रूट, जाइगोट जो है एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो फाइनली क्या हो जाता है, फ्रूट बनता है। तो कोई भी फ्रूट हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि सो मेनी ओव्यूल्स मतलब सीड्स होते हैं, ठीक है, बीज होते हैं, तो सो मेनी ओव्यूल्स उसमें होते हैं, ठीक है, ओव्यूल्स ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं सो मेनी होते हैं, बहुत कई सारे होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम जब फ्रूट्स खाते हैं तो उसके अंदर सीड्स होती है, वो सीड्स क्या है, ओव्यूल्स है, अनफर्टिलाइज्ड। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अंडरस्टैंड बाय दिस फिगर एंड फर्टिलाइजेशन, ओके। सो टुडे थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।